सनी देओल गदर 2 की बम्पर सक्सेस के बाद जो कि जश्न मना रहे हैं और उनकी यह फिल्म जो कि वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। और लेकिन इस बीच वह अपने जो कि जुहू वाले बंगले की नीलामी के कारण जो कि भी चर्चा में रहे हैं और हालांकि बैंक ने 24 घंटे के भीतर नीलामी का नोटिस भी रद्द कर दिया था, पर मशहूर फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने सनी देओल पर जो कि करीब 2 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। जानवर का एक रिश्ता और अंदाज जैसी फिल्मों बनाने वाले सुनील दर्शन का कहना है कि सनी देओल के साथ उनका ये मामला 27 साल पुराना है और वह अभी तक जो कि इसको लेकर कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। आप लोगों को बता दें, दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए सुनील दर्शन कहते हैं कि यह बात 1996 की है जब सनी देओल एक जो कि इंटरनेशनल फिल्म जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खोलना चाहते थे और मैंने इनसे उनकी मदद भी की थी। वक्त बीतता गया लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लौटाए, जबकि इस बीच उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बना ली लेकिन पैसे देना भूल गए। सुनील दर्शन ने जो कि हाल ही में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था, उन दिनों अजय फिल्म की शूटिंग खत्म करने वाली थी और अपने जन्मदिन पर सनी देओल ने मुझसे आग्रह किया था कि वह इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खोलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे अजय के लिए जो कि ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स मांगे और मुझसे कहा कि वह उसका पूरा पेमेंट करेंगे। फिर कुछ दिन बाद सनी ने बताया कि वह पैसे का इंतजाम करने लंदन जा रहे हैं, जैसे ही पैसा जमा हो जाएंगे वह मुझे फिल्म के प्रिंट खरीद लेंगे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के मुझसे भी चूँकि पेपर्स मांगे तो मैंने भी भरोसा करके कागज पर दस्तखत कर दिए। लेकिन आप लोगों को बता दें, इसकी चर्चा बड़े जोरों शोरों से है। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मुंबई में, जहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए सनी देओल के ऊपर जो कि 2 करोड़ रुपए लेने का और ना देने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने यहां तक तो सनी देओल की नियत को लेकर भी बात कर दी कि उनकी नियत ही नहीं है पैसे देने की। आप लोगों को बता दें, फिलहाल जो कि सनी देओल एक बार फिर से अपनी चीज़ों को लेकर चर्चा में हैं। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए और आप लोग भी वीडियो देखिए कि आखिर सुनील दर्शन ने क्या कहा।